मेरे पास आपके चैनल का भी एक्सेस है, तो मैं आपके चैनल को ही डिलीट कर दूंगी। आप जा सकते हो तो जाओ, ऐसा ना सपने में भी मत। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रेरणा, जैसे कि आप मुझे जानते ही हो, तो मैं यहाँ पे लोकेश भैया को लेके आई हूँ। साथ में अश्वनी भैया ने मेरे को एक बहुत बड़ा मौका दिया है, जो आपने देखा ही होगा, उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा है कि मैं उनके साथ काम कर सकूं और दिखा सकूं। आपको पता ही है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, माँ बाबा भाई जो भी है, आपको सबको मेरे साथ मेरी कहानी जितनी भी है आपको सबको पता ही है। और उन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया है कि मैं अपनी टीम में रह के मैं अपने आप को साबित कर सकूं। अश्वनी भैया ने मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा है, तो मैं उस लॉयलिटी को निभाऊंगी। मैं उस काम को बहुत अच्छे से अपनी शिद्दत से करके मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई गलती ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कन्हैया भैया हमारे, मैं उनको देखना चाहती हूँ कि भैया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उनके बीच में। मैं यहाँ रह के इस टीम में रह रही हूँ, उनके बीच में कोई दरार ना आए मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। तो इसी वजह से मैं कन्हैया भैया को मैंने यहाँ बुलाया है, उनसे मैं बात करूँगी इसी बारे में कि मैं अब इस उनकी टीम में हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे आने से, कोई ऐसी नहीं बात हो कि उनकी टीम में उनको प्रॉब्लम हो, या मैं नहीं चाहती, मैं खुद से नहीं चाहती कि उनकी टीम में कोई भी मेरी वजह से किसी भी तरह की दरार आए। तो इसी वजह से मैंने अभी यहाँ पे कन्हैया भैया को बुलाया है, मैं उनसे बात करूँगी। और जो भी है सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी होगा, और जो भी अगर ऐसा हो सकता है कि कोई बात ऐसी है तो मैं शायद पब्लिश भी कर सकूँ, क्योंकि जितना भी डाटा है वो मुझे अश्वनी भैया ने मेरे नाम पे कर रखा है। जो भी है, फेसबुक हो या जो भी कोई लिंक हो, सब मेरे फ़ोन में लॉगिन है, एवरीथिंग इज़ लॉगिन, मेरे फ़ोन में सब कुछ है। तो अगर ऐसी कोई वीडियो है या ऐसी कोई क्लिप है तो मैं आपके सामने शो ऑफ कर सकती हूँ, मैं उसको रिवील कर सकती हूँ आप सबके सामने, आप देख रहे हो। तो अभी मैं भैया का वेट कर रही हूँ, तो जैसे ही भैया आते हैं आपके सामने जो भी है सब देख लेंगे। थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। क्या है, क्यों बुलाया? हाँ, बात करनी थी आपसे। क्या बात करना है? सबसे पहले तो तुमको ये ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का, समझ रहे हो ना? इतना ठंडी का मौसम है फिर भी तुम इस तरह का कपड़ा पहन के आई हो, क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है? आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते हो, क्या बचाए अब? दिमाग नाम का सब चीज नहीं है क्या तुम लोग के पास? है सबके सब पागल हो एकदम, बिल्कुल सारा खानदान तुम्हारा पागल है। चीज़ मैं साबित करूंगी अब। क्या साबित करोगे, क्या साबित करोगे? जो तुम्हारा बाप किया वो कम है, या जो तुम्हारी मम्मी की वो कम है, या जो तुम्हारा भाई और पति जो किया वो कम है? अब क्या साबित करने के लिए बचा है? आप तो बोलते थे ना कि आप सबसे ज्यादा लीड हो इसमें टीम में, आपके बिना, अब देखो मेरे को अश्वनी भैया ने रख लिया। समझता था तुमको, समझदार समझता था, क्योंकि तुम बोल रही थी कि मैं बीकॉम कर रही हूँ, मुझे लगा कि तुम पढ़ा लिखा आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, दिमाग है, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम भी अपने बाप के तरह हो, अपने माँ के तरह हो, धोखेबाज, फरेबी, धोखा देने आई हो यहाँ, किसके समझाने पे आई हो यहाँ पे? मुझे अश्वनी भैया ने एक मौका दिया है। क्या? हाँ, आपकी टीम में रखा है उन्होंने मुझे, आपने तो मुझे वो दिया नहीं, मैं आपसे एक मदद ही तो मांग रही थी। क्या टीम में रखा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया? इधर इधर बैठ के बात, क्या 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 कह रही है? अश्वनी भैया ने मेरे को अब टीम में इन्वॉल्व कर लिया है अपने साथ, अब मैं आप लोगों के साथ काम करूंगी। मैंने इसीलिए आपको बुलाया है ताकि मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तुझे और अश्वनी भैया ने टीम में रखा है? हाँ, मुझे रखा है, उन्होंने एक मौका दिया है मुझसे बिना पूछे। उन्होंने मुझे बोला है खुद से कि अब जो भी होगा तू मेरे साथ काम करेगी, जो भी है सब कुछ मैं तेरा रखूंगा। उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है खुद से। मतलब तुमको हमें क्या समझते हो, पागल समझते हो क्या? पागल समझते हो? मैं तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता दिया कि तुम हमारे टीम में काम, ये सब काम के लिए तुम नहीं हो। हमारा जो भी ये सब काम होता है ना, हम पब्लिक के बीच में पब्लिश करते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे इज्जत का धजिया उड़े, चाहती हो? भैया मैंने सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ काम करने का, जो कि अश्वनी भैया ने। क्या काम करोगे, किस चीज का नॉलेज है तुम्हें, किस चीज का जानकारी है, बताना जरा मुझे। आप मुझसे पूछो तो, जो आप बोलोगे, आप मेरे को एडिटिंग बोलो, मेरे को वो आती है, इंटरनेट के थ्रू मुझे सब कुछ काम आता है। आपने मुझे वो मौका नहीं दिया जो मुझे अश्वनी भैया ने दिया था। अश्वनी भैया ने दिया था? हाँ जी, उनसे भी बात करूंगा मैं ढंग से, ठीक है?
वो तो हमें मिल नहीं रहे हैं दो दिन से रूम पे, लेकिन जब वो मिलेंगे ना तो मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या क्या तुमको तुम्हारे पास चैनल का एक्सेस उन्होंने दिया? सब उन्होंने दिया है मुझे, मेरे चैनल का भी एक्सेस, आपके चैनल का भी एक्सेस मेरे पास है, मेरे फ़ोन में लॉगिन है पहले से ही, उन्होंने सब कुछ करके मेरा जितना भी सब कुछ जितने भी लॉगिन है सारे एक्सेस प्रोसेस सब मुझे मेरे फ़ोन में लॉगिन है। मतलब क्या चाहती हो तू? मैं कुछ नहीं चाहती, मैंने इसीलिए आपको बुलाया है कि अगर मैं यहाँ पे आपके टीम में काम कर रही हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरी वजह से। आप उनसे, अब आप बोल रहे हो ना कि मैं अश्वनी से मैं बात करूँगा, यही चीज़ मैं नहीं चाहती कि आपकी लड़ाई हो उनसे। देखो सबसे पहले तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनसे ढंग से बात करूंगा आखिर उन्होंने तुमको ये सब एक्सेस क्यों दिया, हमारे पर्सनल डाटा का, हमारे पर्सनल यूट्यूब का, हमारे पर्सनल फेसबुक का तुमको एक्सेस क्यों दिया? क्या तुमको तुमने उनको कोई पाठ पढ़ाया है? मैंने कोई पाठ नहीं पढ़ाया, उन्होंने मेरी फीलिंग समझी है जो कि मैंने आपको कितनी बार बोला था ना भैया मुझे एक चांस दे दो, एक मौका दे दो, तो उन्होंने दिया है मुझे वो मौका। क्या बात है, मतलब एक बात बताओ खड़ा होकर, मतलब हमसे कोई दुश्मनी है? कैसी बात कर रहे हो भैया, लेकिन यही चीज़ है ना कि आपने मुझे वो चीज़, मैंने उस दिन इतना गिड़गिड़ाई थी, आपने मुझे वहाँ से धक्के मार के भेज दिया था। अच्छा। कि नहीं होगा, लड़की है लड़की है लड़की है, उन्होंने मुझे खुद से कहा है कि ऐसा नहीं है, लड़कियाँ हो टीम में नहीं होती, उन्होंने भी ये बात समझी है, इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये सब बातें बताई है। तो मतलब तुम क्या चाहती हो? मैं टीम में हूँ, नॉर्मल सी बात है, जो भी एक्सेस है मेरे पास है, लॉगिन है आपका भी है। सबसे पहले तो सुनो ना, ये दावा मत ठोको कि मैं टीम में हूँ, किसी की बाप की टीम नहीं है, समझ रही तो हो ना? उसकी मेंबर तो मैं हूँ ना अब। किस हिसाब से तुम मेंबर हो? किस हिसाब से मेंबर आप, हो? आपका जितना भी एक्सेस है मेरे हाथ में है। अच्छा, अब आप बताओ कि आप होने से तुम मेंबर हो गई, एक्सेस होने से मेंबर हो गई? एक्सेस एक पावर होती है जो मेरे हाथ में है। तुम्हारा बेवकूफ बाप जो भानु प्रताप है ना, वो भी हक जता रहा था, लेकिन भानु प्रताप, क्या हुआ भानु प्रताप, उसको भी इसमें मत लाओ, मुझे मैं नहीं लाऊं उसको, क्यों नहीं जैसा है तो मैं वैसी नहीं हूं। आज भी अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कोई बाप का नाम अगर जुड़ा है ना तो भानु प्रताप है, दूसरा कोई नहीं है, और मैं उसी को साबित करूंगी कि मैं वैसी नहीं हूं, इसीलिए मैंने उनसे एक चांस मांगा, आपसे मांगा था पहले, आपने दिया नहीं, तो यही साबित करने के लिए मैं अपने पैरों पे खड़ी होके वो चांस मुझे अश्वनी भैया ने दिया है। देख बेटा यहाँ बैठ, बैठ यहाँ बैठ, आराम से बैठ। सबसे पहले ना तुम्हारे लिए ये सब काम अच्छा नहीं है, प्यार के भाषा समझ में नहीं आता है, आता है कि नहीं है? समझ में आता है ना? तो तुम्हारे लिए सिर्फ ये सब चीज़ नहीं है, यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं ना उसको सब पब्लिशली करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक के पे, मान लो कभी तुम्हारे साथ कोई गलत हो जाए हम उसको पब्लिक कर दें, कल को तुम्हारे करियर पे दाग लग जाए, तुम्हारे कॉलेज से निकाल दिया जाए, तब तुमको अच्छा लगेगा? तो भैया मुझे एक वो टीम में बहुत सारे काम होते हैं, एडिटिंग होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो आप मुझे ये बताओ आप मेरे को रखना नहीं चाहते हो टीम में? मैं नहीं रखना चाहता हूँ स्पेशल। तो ये आपका आखिरी फैसला है? मेरा आखिरी फैसला है, अस्पष्ट बात है मेरे टीम में होने से। रही बात सोनी भैया के, तो मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन तुमको नहीं रखूंगा किसी कीमत पे, चाहे तुम जो भी कर लो। तो मतलब मेरे टीम में होने से आपको दिक्कत है? हमें बहुत दिक्कत है, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत है, तुम नहीं जानती हो ना अभी। क्या नहीं जानती मैं? यहाँ पे लोग ना अपना बन करके लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, हो सकता है तुमको भी कोई पाठ पढ़ा कर यहाँ भेजा हो। कौन भेजा है सच बताना, सच बताना, क्या बात है कौन भेजा है? भैया मेरे को किसी ने कोई पाठ किसी नहीं ना किसी ने तो तुम्हें भेजा है, कोई ना कोई तुम्हारे बाप का, तुम्हारे माँ का, किसी ना किसी का कोई राजनीति है, तभी तुम यहाँ। आप बार बार में मेरी बाप और मेरी माँ को बीच में क्यों ले आते हो? क्यों नहीं लाऊं? हमारे साथ जैसा उन्होंने किया है अच्छा किया है क्या? हमें किडनैप करवा के ले गए, हमें मार खिलवाए, हमें पिटवाए, तुम्हारे वजह से मैं मार खाया, तो वो चीज मैं वो चीज साबित करूंगी ना कि मैं वैसी नहीं हूँ। क्या साबित करोगी? वो चीज मैं अपने आप करूंगी ना, मेरे अंदर भी तो खून उन्हीं का दौड़ रहा है ना। तो आप मतलब एक चांस देना चाहते ही नहीं हो मुझे, आपने तो ये भी नहीं है कि देखे एक बार, ये होता है ना कि चलो दे दो एक बार विश्वास कर लो, तो वो लॉयल्टी है ही नहीं है, वो ट्रस्ट आपको है ही नहीं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास कोई मौका नहीं है, यहाँ तुमने हमें बुलाया क्यों, इसीलिए बुलाया? मैंने सिर्फ बात क्लियर करने के लिए बुलाया था कि भैया मैं आप टीम में है तो कोई आप मेरी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हो, सिर्फ मेरी वजह से कि एक लड़की टीम में आ चुकी है, कि आप लोगों की टीम में दरार ना हो, प्यार से काम करें, पर आपको तो दिक्कत ही दिक्कत है, आपको रखना ही नहीं है मुझे मेरी टीम में।
नहीं रखेंगे। मत पे देखो, हम तुमको अपने इस टीम में नहीं रहने देंगे। रही बात सोनी भैया के, तो मैं उनसे बात कर लूंगा, समझ रही हो ना? रुको रुको भैया। क्या रुको? सुनो, क्या रुको? सुनो। नहीं क्या रुको, पहले बैठो यहाँ पे। क्या बैठूं? बैठो। क्या बैठूं? बैठो तो आप पहले बैठो, मैं बैठो। बताओ। देखो मुझे पता है आपने मेरी कितनी मदद की है स्टार्टिंग से, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने मेरी कितनी मदद की है, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हम मिल बांट के काम करें। आपको फिर हम मत लाओ ना इसमें, हम मिल बांट के काम करेंगे, हम मत लाओ। अच्छा, मैं तुमको नहीं है, जानता हूँ किसी की मदद, नहीं ठीक जानने का प्रयास करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा एक कर्तव्य था, तुमको मैं हेल्प किया, तुमको मैं कहीं रखा, तुमको मैं एक शरण दिया, लेकिन मैं तुमको अपने टीम में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। काहे नहीं समझ रही हो तुम? बकवास मत करो हमारे। तो तुम जा रहे हो? हाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, तुम्हारा शक्ल देखूंगा यहाँ पे कि कैसी हो। ठीक है ठीक है, तो आप तुम मानोगे नहीं, नहीं ना नहीं, 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 मेरे पास आपके चैनल का भी एक्सेस है, तो मैं आपके चैनल को ही डिलीट कर दूंगी। आप जा सकते हो तो जाओ, ऐसा ना सपने में भी मत सोचना, नहीं तो ना तोड़ के रख दूंगा। सपने में मत सोचना, नहीं तो तुम्हें या तुम्हारे बाप भानु पता सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। अभी तुम नहीं जानती हो हमें कि हम क्या चीज है, समझ रही हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा कभी सपने में मत सोचने ला। अब मैं ना अश्वनी भी ये सब बात करूंगा उनसे कि उनको तुमको एक्सेस क्यों दिया सारे चैनल का। बकवास कर रहे हो। तो देख लिया आपने, जो भी हुआ मैंने बहुत प्यार से इनको समझाने की कोशिश की है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। अश्वनी भैया ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, मैं चाहती हूँ कि हाँ हम लोग सब साथ में काम करें। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के बीच में दरार आए या कुछ भी हो, बट ये मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आनी है। मैंने इतने प्यार से समझाया, अपने ही तेवर में लगे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अब मैं भी देखना, अब आपके सामने जो भी हुआ है सब रिकॉर्ड हुआ है, मैंने इतने प्यार से समझाने की कोशिश की है पर इनको समझ में नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, अब मैं भी दिखाऊंगी। मैं जिनका जितना भी चैनल है ना, मैंने ना डिलीट किया तो बताना आप, अब मैं डिलीट करके ही रुकूंगी। भैया बंद कर दो आप इसको।